मल्हारगढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया ने आज कई ग्रामीणों क्षेत्रों में जनसंपर्क कर मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया का गांव-गांव में जगह जगह स्वागत हुआ। सिसोदिया ने इस दौरान नुक्कड़ सभा में कहा कि भाजपा केवल झूठ बोलकर लोगों को परगलाने का काम करती है, उनके झांसे में न आए। भाजपा के 15 साल शासन में क्षेत्र में जनता को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, आमजन परेशान है। किसान हितेशी का दिंदौरा पीटने वाली सरकार किसानों पर ही गोलियां चलाती है, जिसके कारण किसानों की मौत हो गई थी। जब किसान उसका हक मांगता है, यूस कुचलने का काम सरकार करती है। भाजपा ने केवल लोगों को झूठे वादे कर चुनाव जीता, उन्हें सबक सिखाना है। एक सभी आशीर्वादाता बंधुओं, माताओं, बहनों, ये विगत 10 वर्षों से जब से ये विधानसभा बनी है, तब से यह भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी हैं और वो मंत्री भी रहे हैं। लेकिन जो हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, वो विकास आज हमको कहीं दिख नहीं रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कांग्रेस ने अपना एक वचन पत्र बनाया है और उस वचन पत्र में कहा गया है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार हमारे मध्य प्रदेश में बनी, 10 दिन के अंदर आप सबका 2 लाख रुपए तक का जो है कट सबका सब माफ करने का काम हम करेंगे। दूसरा, हमारी माताएं बहनें बहुत यहाँ पर खड़ी हैं, गरीब परिवार के लोग हैं हम सब, तो हम लोगों ने समूह के माध्यम से भी ऋण लिया है, स्व सहायता समूह अपने लीला के लीला के काके घर गृहस्थी चलावाते पैसा सही जे कदी नोटबंदी करी ने ना कदी मंडी में पया नहीं मले ना कदी अपने अनाज लेन जावा तो मल रहा गए अनि भले सालता खराब होगी तो अपन स्व सहायता समूह के माध्यम से जो ऋण लियो है, जो कर्जो लियो है, वो भी सबका सब हम माफ करने वाले हैं जैसे ही कांग्रेस की सरकार बने। और जो पेंशन बादशाह बेटा कतरी पेंशन मिल रही, खाली 300 रुपए मिल रही, गोरिया दवाई नहीं आवे, आई जा नहीं आवे। तो कांग्रेस की सरकार बने कि आप हरी का जितने भी लोग है जो पेंशन जने मिल रही है, 1000 रुपए महीना पेंशन देवा को काम कांग्रेस की सरकार करेगा। और जो प्यारी प्यारी बच्चियां खड़ी है हमारी, इन बच्चियों के लिए हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कि बेटी जिस दिन से पैदा हो वहां से लगाकर उसकी शादी करो वहां तक का सारा खर्चा आपका मामा शिवराज सिंह चौहान उठाएगा। हमारे फतेहपुर में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कितने लोगों को फायदा मिला, किसी को मिला हो तो बताए, हाथ खड़ा करें। नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसमें शर्तें इतनी हैं कि उन सारी शर्तों को हम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उसका फायदा मिल ही नहीं सकता। तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी कि सारी शर्तें खत्म, अपनी बेटी की शादी जब भी वो वयस्क हो उसकी शादी जब भी आप करोगे, केवल क्या करना, अपने पत्रिका छपाओगे, पत्रिका लेने ग्राम पंचायत में जाना, ग्राम पंचायत में जमा रहेगा, ग्राम पंचायत के आपका टाइप करे तो को कंप्लीट आवेदन, एक अंगोटो लगाओ, दस्तखत करना मांग नानी को मांडो फलन फलन तारीख के दिन, तो डायरेक्ट आपको जिन टाइम फेरा फेरन कन्यादान हुए के वन टाइम पे 51,000 रुपये को चेक आई आपकी बेटी ने कन्यादान के रूप में मिलेगा। और जो मेरे युवा साथी दिख रहे हैं यहाँ पर, इन युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना कांग्रेस की सरकार लेकर आई है, क्योंकि जो यहाँ की सरकार है और जो यहाँ के विधायक है माननीय निष्क्रिय विधायक जी, उन्होंने कोई भी युवाओं को रोजगार के लिए यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग लेके या कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जिससे हमारी बेरोजगारी दूर हो सके। तो जितने भी बेरोजगार हैं हमारे यहाँ, कम से कम 12वीं पढ़े तक ये तो होंगे कि नहीं होंगे, उन जिनका जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार का पंजीयन है, अगर नहीं हो तो करवा लें अभी, तो उनको अगर या तो हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं दे पाए तो आपको 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी हम लोग करेंगे। प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया बहुत जल्द इस फतेहपुर गांव में पहुंचने वाले, आइए हम जानते हैं इन गांव वालों से क्या स्थिति है। वैसा बताए यहाँ 90% कांग्रेस का गढ़ है और भाई परशुराम सिसोदिया एक निष्पक्ष, योग्य और कर्मठ, ईमानदार नेता, युवा नेता हैं और इस क्षेत्र की जनता उनको बहुत चाहती है और हमारे मूलभूत सुविधाओं को भी वो समस्या हल करने के लिए हमारे क्षेत्र में नए नए आए हैं और यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तरफा माहौल है, पूरे क्षेत्र में एक तरफा माहौल है और परशुराम जी की एक तरह से आंधी है,
और ये कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और किसानों की सरकार बनेगी। हमारे पिपलिया मंडी में जो किसानों पे अत्याचार हुआ है और 6 किसानों को गोलियों से भुना है, इसलिए किसानों में आक्रोश है। सोयाबीन का भाव नहीं है, लहसुन का भाव नहीं है, मजदूर बेहाल हैं, इसलिए जनता समझ चुकी है। 15 साल का वनवास छोड़कर अब जनता परशुराम जी को या कांग्रेस को चुनने जा रही। मलागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम जी, सिसोदिया हमारे साथ में आई है, हम इनसे जानते हैं कि किस तरह आप मलागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हो, किन मुद्दों को लेकर आप आम जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे नहीं, यहाँ पर हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे मेरी महिलाएं हो, चाहे युवा हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति परेशान है। मुद्दे की तो कोई बात ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है और वो सब ये सोच के बैठे हुए हैं, केवल और केवल 28 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस भारतीय जनता पार्टी की नाकारी और निकम्मी सरकार को 28 तारीख के दिन हम हाथ के पंजे वाला बटन दबाकर कांग्रेस को भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजें और कांग्रेस की सरकार बनाएं। अगर आप यहाँ मलागढ़ क्षेत्र से जीतते हो तो युवाओं के लिए किस तरह की योजना रहेगी आप? देखिए, युवाओं के लिए खास तौर पर हमारे मैनिफेस्टो में भी कहा गया है कि जैसे ही सरकार हमारी बनी तो हम युवाओं को रोजगार देने का काम प्राथमिकता से करेंगे। अगर नहीं रोजगार दे पाए, जिन युवाओं जो बच जाते हैं युवा, उनको रोजगार अगर नहीं दे पाए तो उनको 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी हम लोग करेंगे। बात की जाए तो अगर यहाँ के स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी मजबूत बनी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, किसान मेरा अन्नदाता, मेरा भगवान, सबसे ज़्यादा दुखी है, सबसे ज़्यादा परेशान है और वो जब अपना हक मांगता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर उनके छातियों पर गोलियां मारी जाती हैं। तब किसान चुपचाप बैठा हुआ है कि सिर्फ इसलिए इस बात को लेकर, अपने मन में लेकर बैठा हुआ है कि कब इस भारतीय जनता पार्टी को सरकार में मौका मिले और भारतीय जनता पार्टी को सरकार का मुखाड़ फेंके। ओके, ये तो हमारे साथ मलागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी परशुराम जी, जिन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो युवा को रोजगार को सबसे महत्व दिया जाएगा।